Happy birthday to you. Good morning. उठ जाए नीनी नंगे हैं अब बहुत देर हो गई देखो पापा ने वीडियो एडिट कर लिया मम्मा ने वीडियो बना लिया आपका दलिया ही बनने रखा है मम्मा फिर भी आप नहीं उठ रहे चलो आज चीकू का बर्थडे है मम्मा ने तो विश भी कर दिया चीकू को और पापा ने भी कर दिया आप सो रहे थे चीकू के पास जाओगी बर्थडे किसका बर्थडे है आज चीकू का रिस्पॉन्सिबल हो जाओ थोड़े से हाँ सुबह से काम कर रहा हूँ सबसे पहले से दूसरी बार बाप बनने वाले हो ना तो तुम पे वजन कम हो रहा ना तुम पे ये पंखा ठीक करवाया जा रहा ये काम मेरे घर में तुम्हारे हैं ये एक बार पहले भी हो चुका है पंखे वाली कहानी याद है हम नीचे ही सोते थे अभी भी हम नीचे सो रहे हैं रूरू ने देखो ऑयल लगा लगा के मैट्रेस की क्या हालत कर रखी है गंदा बच्चा ठीक करवाओगे भाई से नहीं अरे किसी को बुला के करवा लो इलेक्ट्रिशियन बुला के वो मेरा दोस्त है इलेक्ट्रिशियन जब उनको बुला के करवा लो तुम पे नंबर है इलेक्ट्रिशियन का कॉल करो उसको ठीक करवाओ उसे तुम्हें पता है ना अरविंद लैब से बुलाना तुम पे एप्लीकेशन मैंने अरविंद लैब का बुलाओ ये पता है एक डेढ़ महीना हो गया मैं ऐसी सो रहे हैं बस हम सही है पंखा कोई दिक्कत नहीं मुझे तो ऐसा लगता है गिर जाएगा हमारे ऊपर सो गुड मॉर्निंग गाइस स्वागत है आपका कोना इंटरेस्टिंग ब्लॉग में चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की और आज की सीमन की वीडियो बन चुकी है सुबह सुबह क्या जल्दी जग गई थी मेरे साथ ही मैंने अपनी वीडियो एडिट कर ली और क्या मैं साथ नहीं जगी बता मम्मी पता कितना पहले जगी मुझसे 10 मिनट पहले 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट पहले 5 मिनट ही पहले जगी झूठ गया है और बता कितने पहले जगी है जब तू आप लैपटॉप बस ऊपर के आगे लैपटॉप लेके आई इतने में कितना टाइम लगता है मुश्किल से 1 मिनट लगता है इसमें तो बस आगे मैं जग गया बता कितने पहले जगी मुझसे और बताइए बता 20 मिनट पहले वाह कितना फर्क है ना 5 मिनट और 20 मिनट में बहुत फर्क है 15 मिनट का फर्क है पहली बात तो मुश्किल से लगता है 2 मिनट पहले जगी होगी तू सच्चाई तो वो तो मैंने तेरे लिए तेरी शकल देख के तेरे को 10 मिनट बोल दिया पर तू उसकी भी लायक नहीं सबको बताया कौन झूठ बोल मैं तो 4:30 बजे जग रही हूँ तुम्हारा क्या जगना है तो जगी घूमी फिर के आई फिर तुम्हारा सो जाती है सबसे जल्दी जगती है रूरू है ना आप सबसे जल्दी जगती हो ना रूरू छाया ये सबसे जल्दी जगने वाले हैं अभी बिल्कुल कितना अभी क्या 11:30 बज रहे हैं हाँ अभी 10 मिनट पहले ही जगे थे सबसे जल्दी ये जगते हैं तो कितने पहले जगे हो आधा घंटा हो गया बोला ये और ये ये कुछ करती है तुमने तो मेरे इलेक्ट्रोलाइट निकाल दिए गाइज यहाँ पर ये भैया ने नया माइक मंगाया था सो बेसिकली अभी ये हमें मैंने कल सिमन को बताया था कैसे यूज करना उसको सब बताया था आज सिमन ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी यूज भी करा था ठीक है तो इसमें बेसिकली क्या है कि भाई ये कैमरा से कनेक्ट करने के लिए ये वायर लगता है पर ये अलग से इसमें लगना होता है कि लगना ये बहुत बेसिक सा है कि वायर लगना है पूरी वीडियो बना ली उसके बाद मुझसे करिए यार ये माइक नहीं तो पता नहीं नॉइस कैंसिलेशन नहीं करी इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही है कैसा माइक है ये क्या है मुझे बहुत देर से कह रही मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता ये फिर मैं देखी एक बार मैंने सुना मैंने कहा तो माइक रिकॉर्डिंग नहीं कर रखा ये तो कैमरे की आवाज अलग दिख रही है ना तो यार मैंने कहा तूने वो वायर लगाया था और ये यहाँ पर सुना लेट गई है बेसिकली ये वायर नहीं लगाया इसने इतनी डम हरकतें करती है ये बताओ और ये कह रही नया माइक आया कुछ तो डम हरकत करना बनता है बताओ कितने घंटे शूट करा तुमने कितने घंटे लगी रही तुम दो घंटे बताओ 2 घंटे की मेहनत पानी में चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइक नहीं इस माइक नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ हर ये वायर नहीं लगाया पंखा चला नहीं सकते एसी चला नहीं सकते सबकी आवाज आती है तो चलाती क्यों नहीं हो फिर चला सकते हैं इसके माइक की वजह से माइक के साथ सब चला सकते हैं कुछ भी आवाज नहीं आती तो अभी हम लोग चीकू के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या लें देवेश ने साइकिल सजेस्ट करी है तो पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ और देख लेते हैं कुछ इनोवेटिव टॉयज मिल जाए क्या पता कुछ वो मिल जाएगा तो वो देख लेंगे दुकान ढूंढनी पड़ेगी साइकिल का तो मैं बताइए साइकिल तो कैसी दिखती है क्या ये क्या ये तो मिनी सो है उसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा चलो एक तो टॉय शॉप का थोड़ा
पता नहीं रहता, याद नहीं रखते ना आदमी कहाँ है कौन सा। आती नहीं, लेते नहीं कभी। चलो किसे पूछूं क्या, देखते हैं। हाँ फिर अगर पूछ लेंगे वो क्या है जो ऊपर जो है इसके ऊपर जो बच्चों के तो सामान मिलता है वो मुल्तानी है, उसमें नहीं मिलेगा, उस पे क्लोथिंग ज्यादा है। तो टीवी को भी फाइनली याद आ गया कि चार्ट कोर्टयार्ड के पास भी एक टॉय शॉप थी, और जैसे ही इसने बोला ना मैंने बोला हाँ यहाँ पे एक टॉय शॉप है। मैं तो बहुत ही भुलक्कड़ हूँ। क्या कहते हो, अगर वो तो तू है ये तो वहाँ जो रोड है साफ सुथरा अप डाउन भी आती है नीचे। तो भाई हमने ये वाली साइकिल फिर फाइनल करी है A1 की, और उसमें बैक रेस्ट भी लगेगा तो ये सही है चीकू के हिसाब से। बाकी और भी देखी थी पर वो थोड़ा ऐसी थी हल्की सी क्वालिटी थी उनके, वो समझ में नहीं आई वो थी, वो थोड़ी सस्ती सी थी जो उधर वहाँ पे रखी है। उसके टायर देखना कैसे हैं, वो क्वालिटी देखने में मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ले रहे थे एक बार थोड़ा अच्छी लो अच्छी कंपनी की, तो अपना फिर ये अपना डिसाइड करिए। चलो करवाते हैं बैक रेस्ट लगवाते हैं और फिर निकलते हैं। तो फाइनली साइकिल ही डिसाइड हुई। हाँ मेरी सीट पे रख दो इसे। मुझे जी का फोन आया है, वो केक ले जाना भूल गए। केक ले जाना भूल गए एज यूजुअल। भूले हो ना, आए थे यहाँ पे? नहीं उन्हें याद ही नहीं रहा कि केक भी लाना है, अब उन्हें वहाँ से लेना नहीं है। अच्छा मैं लगा हम यहाँ है तो यही से ले जाएंगे। साइकिल रख ली है पीछे। चलो भैया चीकू महाराज की साइकिल भी आ गई फाइनली, अब अगले साल तुम्हारी बेटी भी मांगेगी। हाँ अभी जब तक सीख जाएगी तो। ये कहाँ से लेके आए हो तुम? उल्टा शर्मा पहले खुश हो रही है। फोटो क्लिक कर दूँ आपका? ऐसे करो स्माइल स्माइल करो स्माइल। रुक नहीं रहा उसके कानों पर। बनाओ ऐसे ऐसे बता दो बुआ खाना खा रही है। क्या आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ इसके सुसु पोटी का? सही है सुसु कर दिया। अरे वाह मामा के ऊपर डेब्यू कर दिया पुछ ने, तो मजा आ गया। बेटू तूने मेरा घास सच कर दिया एकदम। चुपचाप पढ़ाई टीवी कुछ नहीं है रचान सी से। अरे पुछू छुट्टी लग गुड जॉब। ये भी सही है मुझे नाना है अभी। पर तुमने काम बहुत अच्छा करा पुच्चू, वेरी गुड बेटा। तो रूरू हो गई है एकदम रेडी चीकू के बर्थडे में जाने के लिए। अपनी हेयर स्टाइल दिखाओ पीछे से घूम के, टर्न हो जाओ टर्न हो जाओ टर्न टर्न हो पीछे। वाओ रूरू की हेयर स्टाइल तो बड़ी प्रिटी लग रही है। तो मामा और रूरू हो गए एकदम रेडी, मैं थोड़ा बिंदी और ड्रेस चेंज पहन लूं, मेरा काम हो गया और हम चलते हैं चीकू के बर्थडे में। चीकू का केक भी रखा है, वो भी लेके जाना है, और डीवी महाराज की बन रही है दाढ़ी अभी, एंड टाइम पे इन्हें शेविंग याद आती है। चीकू की तो भाई हमने केक ले लिया है और साइकिल ले लिया, हमने डाइजिन ले लिया, डाइजिन ले ली है क्या कहते हैं भैया एसिड बहुत बनता है। बाकी मम्मी और रूरू और मैं हम लोग जा रहे हैं क्योंकि छाया और प्रिया तो आ नहीं सकते, इसलिए छाया वहीं है उसके पास, तो जरूरत होगी तो छाया देख लेगी। तो अभी हम जा रहे हैं चीकू के बर्थडे में और चलो चलते हैं। लेट हो गए थोड़ा सा, 7:30 हो गए लगभग, 7 बजे हमें पहुँच जाना चाहिए था, पर क्या करें सिमन हमेशा ही लेट करवाती है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों खड़ा हुआ है ये नूबी, नहीं है ये बर्गर खाने के चक्कर में था, ये बड़ा पाव खाने के चक्कर में था। चला लो बैठ जाओ इस पे, ये चीकू के पापा को बिठा दो इस पे। एक पोज तो दे दो पोज। चलो हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं मेरे ठीक है, नहीं मेरे बहुत हैं, मुझे तो कोई सा इज्जत नहीं देता, नहीं मुझे कहने पे मैं झूठते देख रही हो। किसकी साइकिल है, किसकी है? अरे वाह अरे चलो कैसा आ रहा।
इधर फोटो खिंचवा दो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Advi. Happy birthday to you. Yay! Clap कर दो, clap. दोनों clap कर दो. इसका तो ध्यान देख खाने लगा। दोनों का ही ध्यान देख। जल्दी रहते हैं। रुक जा। चलो चला लो पंखा, चला लो भाई, चला लो भाई। यह भी ऐसी है। ओए नो मारा को अंदर खा लो। तो कैसे गिराएगी ये? ये रखो देखो चिकी, ये रखो ये आपको गिफ्ट है। अरे वाह, ये रूरू का रिटर्न गिफ्ट है। अंदर नहीं जाते, इतना मजबूत नहीं है। हाँ